रुख करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिकेट में मस्त रहने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर चुनाव हारने के बाद सठिया जाने तक के बात कही है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आक्रामक हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिकेट में मस्त रहने के आरोप जड़े, तो वहीं हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पूर्व सीएम धूमल पर चुनाव हारने के बाद सठिया जाने के साथ साथ कोमा में जाने की बात कही। साथ ही रामलाल ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कुछ समय बाद मंडी में देख लें कि वह कहां क्या होने वाला है। हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आरा मशीनों को बंद करवाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम धूमल सठिया गए हैं और हारने के बाद अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धूमल सठियाने के साथ चुनाव हार कर कोमा में चले गए हैं, तभी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरा मशीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बंद करवाए गए थे, लेकिन बीजेपी नेता झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखो, प्रेम कुमार धूमल को या तो सठिया गए या हारने के बाद जो है वो कोमा में चल गए हैं। मुख्यमंत्री रहे हूँ प्रदेश के, और वो कहें कि आरों को जो है बंद मैंने किया था, आरे जो बंद हुए थे बाकायदा तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हुए थे। मैंने पहले नहीं कहा कि भी जो संकल्प करते हैं वो झूठ बोल दें, अगर तो क्या धूमल साहब ये बोलेंगे कि वो हमारा कसूर है, वो या जयराम ने अगर बोला है तो जयराम तो थोड़ा सा ही देख ले कि मंडी में क्या होने वाला है। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के नाम पर केवल राजनीतिक रोटियां ही सेकी हैं, लेकिन इस चुनाव का परिणाम अनुराग को आईना दिखाएगा। सुक्खू ने अनुराग से पूछा कि बीसीसीआई से उनकी छुट्टी क्यों हुई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ी, इसका जवाब वे जनता के सामने रखें। अनुराग ठाकुर जी बताए कि उनकी बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में छुट्टी क्यों हुई, क्यों उन्हें हाई सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, और कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो कहीं इंडियन टीम में कहीं उसको जगह मिली। चलो, क्रिकेट के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। निश्चित तौर पर इस चुनावों में जनता सब जानती है, और जब 19 मई का चुनाव आएगा उस बड़े सोच विचार करके विवेक का परिचय देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी।